नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। न्यूजीलैंड के हाथों तीसरे टेस्ट में मिली हार के बाद भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो गया है। मुंबई में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का इतिहास रच दिया है। भारत को आखिरी पारी में जीत के लिए 147 रनों का लक्ष्य मिला था। रोहित शर्मा की टीम 121 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। इस हार के बाद 14 मैचों के बाद 58.33% अंकों के साथ भारतीय टीम WTC पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर खिसक गई है। ऑस्ट्रेलिया 62.50% अंकों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि श्रीलंका 55.56% अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले भारतीय टीम अगले साल लॉर्ड्स में होने वाले WTC फाइनल में पहुंचने के लिए मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी, लेकिन कीवी टीम से मिली हार ने भारत की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पर सवालिया निशान लगा दिया है। तो अब ऐसे में सवालिया उठता है कि अगले साल होने वाले WTC 2023-25 फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए भारतीय टीम को क्या करना होगा। भारतीय टीम अब 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएगी। यह इस साइकिल में भारत की आखिरी सीरीज होगी। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम को WTC फाइनल में सीधी जगह पक्की करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम से कम 4 मैच जीतने होंगे। अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 4 मैच जीतने में नाकाम रहती है तो फिर उसे WTC फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा। खासकर श्रीलंका के प्रदर्शन पर भारतीय टीम की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि श्रीलंका को इस WTC चक्र में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों देशों के खिलाफ खेलना है। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका भी रेस में है, उसे घर में पाकिस्तान और श्रीलंका से खेलना है। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।